यूक्रेन पर रूस की ओर से लगातार हमले के बीच फंसे लगभग 20,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का काम भारत सरकार और उनके मंत्रियों ने बखूबी किया है। ऑपरेशन गंगा के तहत युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एक रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस की ओर से लगातार हमले के बीच फंसे लगभग 20,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने का काम भारत सरकार और उनके मंत्रियों ने बखूबी किया है। ऑपरेशन गंगा के तहत युद्ध क्षेत्र में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस मिशन के तहत भारत सरकार के तकरीबन 12 से ज्यादा मंत्री एयरफोर्स, NDRF, एयर इंडिया समेत कई कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, मोल्डोवा और पोलैंड के रास्ते भारत लाया जा रहा है। भारत सरकार इस मिशन के तहत न सिर्फ लोगों को सुरक्षित निकाल रही है, साथ ही दवाएं, खाना और जरूरी सामान की व्यवस्था भी विदेशी जमीन पर कर रही है। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस मिशन में तेजी लाई जा रही है। ऑपरेशन गंगा के बदौलत ही आज पंजाब के अलग अलग जिलों के छात्र अपने परिवारों के पास हैं। बात करें अमृतसर की तो एयरपोर्ट पर पहुंचे छात्रों का उनके परिजनों ने बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया और भारत सरकार का आभार जताया। इस मौके पर BJP के राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक भी मौजूद रहे और उन्होंने भी छात्रों का स्वागत किया। वहीं सकुशल घर लौटने पर छात्रों ने खुशी जताई। नरेंद्र मोदी जी और साडे जिहड़े शहरी विकास मंत्री ने सरदार हरदीप सिंह पुरी जी नूं, साडे विदेश मंत्री जयशंकर जी नूं और मीनाक्षी लेखी जी नूं जिन्हां नाल मेरा संपर्क रहा, हार्दिक धन्नवाद करना वा कि ये बच्चियां दे लई असीं रात दे 2-2 बजे तक गल करदे रहे। बहुत चिंता सीगी साडे प्रधानमंत्री जी नूं और सारे मंत्री मंडल नूं कि साडे बच्चे सुरक्षित आन। अज ये बच्चे जे इत्थे सुरक्षित आए ने ते प्रधानमंत्री जी दे जो संबंध ने इंटरनेशनल मीडिया दे विच, इंटरनेशनल कंट्रीज दे नाल, जिहदे विच रशिया ले लो, यूक्रेन ले लो, सब नाल जो संबंध सीगे, उस करके उन्होंने जिहड़े भारतीय बच्चे ने उन्होंने तरजीह दित्ती। मैं खास तौर ते धन्नवादी होवांगा। उधर राजपुरा के हलका घनौर के उलाणा गांव की रहने वाली जसप्रीत भी यूक्रेन के खारकीव शहर में फंसी थी, लेकिन जसप्रीत ने हिम्मत नहीं हारी और अपने दोस्तों के साथ वो खारकीव से ट्रेन, टैक्सी और कई मील पैदल चलकर पोलैंड पहुंच चुकी हैं। जसप्रीत के पिता ने बताया कि रविवार तक उनकी बेटी सुरक्षित घर लौट आएगी। इस दौरान जसप्रीत के पिता ने भारत सरकार के प्रयासों की भी सराहना की और भारत सरकार का धन्यवाद भी किया। यूक्रेन से पंजाब के कई छात्र वतन लौट आए हैं, जबकि अभी भी कई छात्र फंसे हुए हैं। राजपुरा की नवनीत कौर सकुशल घर पहुंची। इस दौरान नवनीत कौर का परिजनों के साथ BJP नेताओं ने स्वागत किया। वहीं घर सकुशल पहुंचने के लिए नवनीत कौर ने भारत सरकार का शुक्रिया किया और साथ ही केंद्र सरकार से यूक्रेन में फंसे अन्य सभी छात्रों को वापस लाने और उन्हें आवश्यक डिग्रियां देने की अपील की। इस मौके पर BJP नेता जर्नैल सिंह हैप्पी ने छात्रा नवनीत कौर को भरोसा देते हुए बताया कि 10 मार्च को पंजाब विधानसभा परिणाम घोषित होने के बाद राजपुरा का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा और यूक्रेन में पढ़ने गए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली या देश के संस्थानों में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करके डिग्री देने की भी मांग करेगा। BBS कर रही थी मैं लास्ट ईयर, 6th ईयर थी। लाइक आफ्टर 4 मंथ्स माई डिग्री विल बी कंप्लीटेड, बट जेडे आ हालत के कारण हूँ सानू कुछ नहीं पता कि होना है, पर सानू सारे ने दिता है कि थोड़ी डिग्री मिलेगी। उन्होंने बोले कि 15 to 20 दिन रुको या लाइक 20 डेज आफ्टर 20 डेज सानू सब कुछ दस देंगे वो, पर असी बस यही चाह रहे हैं कि जे साडा कुछ ना कुछ कर दो क्योंकि लास्ट ईयर है। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है साढ़े लिए, जो डिग्री नहीं मिलेगी साढ़ा अगे कुछ नहीं होना, इसलिए सानू जो भी पॉसिबल हो सके सानू डिग्री का कुछ ना कुछ किया जाए साढ़ा। बस मैं आई अपील सब तो, मतलब सारे 6th ईयर्स तो जेडे भी यूक्रेन 6th ईयर कर रहे हैं ना, मेरी बस आई अपील है कि साड़ी डिग्री का कुछ ना कुछ करो। तो जेडे ये बच्चे साढ़े हिंदुस्तान के किसी के भी कोने चो है, ये राजप्रे की साड़ी धी है, पंजाब के होर बच्चे हैं, ये मेरी सारे अपील है भी असी भारतीय जनता पार्टी वालों राजपुरा वालों साडा प्रयास है भी आ रिजल्ट तो बाद 10 तरीक तो बाद असी सारे जने पंजाब प्रधान श्री अश्विनी शर्मा नूं जी मिलांगे। इत्थों वफद लैके असी टाइम लैके देश के गृहमंत्री जी,
चाहे प्रधानमंत्री जी सारे उन्होंने भी अपील करांगे जाके भी जिहड़े बच्चे हैं ये खास करके जिन्हों की हुण जिस तरह ये गुड़ी आई है इहदी सारी 2-3 महीने पढ़ाई रह गई सी ते बेनती यही साडे प्रयास हैं और मैं बच्चों विश्वास भी दवा रहे हैं भी चाहे थोड़ा यूक्रेन सरकार नाल उधर की सरकार नाल चाहे थोड़ा इत्थे सेंटर सरकार नाल लाके जिहड़े डिग्रियां थोड़ियां घर घर पहुँचणगियां असीं भारतीय जनता पार्टी वल्लों इन्हां नूं विश्वास दवा रहे। वहीं अंबाला छावनी की रहने वाली इशिका भुटानी भी यूक्रेन से अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट आई हैं। इशिका के पिता विनय भुटानी ने जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन में खराब होते हालातों को देखते हुए उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की थी और अपनी बेटी को ऑपरेशन गंगा के तहत घर वापसी की अपील की थी, जिसके बाद आज उनकी बेटी उनके पास मौजूद है। जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं उनके पास हम एक फरियाद लेके गए, रिक्वेस्ट लेकर गए कि इस जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है इसको थोड़ा तेज किया जाए, और उन्होंने इस पर काम भी किया और बहुत तेजी से काम किया। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार अब तक 18,000 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में कामयाब रही है, और इसी सफलता को देखते हुए भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने भी अपने लोगों को सुरक्षित लाने के लिए मदद मांगी है। गौरतलब है कि जब जब विदेशी जमीन पर भारतीय लोगों पर मुसीबत आई है तब तब भारत ने कई बड़े मिशन लॉन्च कर लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम।